एनआईए के छापे के खिलाफ पीएफआई के प्रदर्शन पर केरल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और डीजीपी को पेश होने का आदेश दिया है। केरल में पीएफआई ने बहुत हिंसक प्रदर्शन किया वहां पे। केरल हाईकोर्ट ने हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर फटकार और केरल के डीजीपी को तलब किया गया है। कल एनआईए की और ईडी की संयुक्त छापेमारी चलती रही और जिसमें केरल में भी ये छापेमारी और पीएफआई के कई संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया। हिंसा रोकने के हालांकि इस बीच सख्त निर्देश दिए गए हैं और अन्य राज्यों की तुलना में, यानी जहां जहां छापेमारी हुई उसकी तुलना में केरल में ज्यादा हालात खराब थे और यही वजह है कि केरल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और उसके बाद डीजीपी को तलब किया गया है। सीधे हम अपने सहयोगी विक्रांत का रुख करते हैं। विक्रांत, ताजा अपडेट क्या है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में सुमोटो कोग्निजेंस लिया और साथ साथ डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो ये बताएं कि आखिर ये सारी हिंसा की घटनाएं कैसे और क्यों हो रही है और पुलिस ने इसे रोकने में क्या क्या कार्रवाई अभी तक की है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एक और जो बड़ी खबर है कि हाईकोर्ट ने, केरल हाईकोर्ट ने ही पहले ये निर्देश दिया था कि राज्य में जब भी कोई बंद होगा, कोई हड़ताल होगी तो उसके लिए 7 दिन का प्रायर नोटिस देना होगा, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया गया। अचानक से कल पीएफआई के खिलाफ जब केंद्रीय एजेंसियों ने कार्रवाई की उसके बाद पीएफआई ने बंद की कॉल दे दी, जबकि हाईकोर्ट का, केरल हाईकोर्ट का ये आदेश है कि 7 दिन का प्रायर नोटिस आपको देना होगा। तो उस आदेश की अवहेलना भी है इस मामले में और इसी कारण डीजीपी को कॉल किया है कि आखिर इस मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, फिलहाल शुक्रिया। आज तक से निकले हम मीलो आगे, तो जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी हमसे पीछे। प्राइम टाइम में नंबर वन, देश का नंबर वन न्यूज चैनल, न्यूज 18 इंडिया।